नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील निर्माण की होगी विशेष जांच, सिंचाई मंत्री सत्यपाल महाराज ने दिए आदेश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सूर्यधार झील निर्माण कार्य की विशेष जांच के आदेश सिंचाई मंत्री सत्यपाल महाराज ने कर दिए हैं। महाराज ने कुछ दिन पहले ही सिंचाई विभाग से निर्माण कार्य की लागत बढ़ने का कारण पूछा था। विभाग की ओर से दिए गए जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए महाराज ने ये आदेश जारी किए। महाराज के मुताबिक विभाग के स्तर पर दिए गए जवाब में कई स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है। महाराज ने बताया कि भोगपुर में बनाई जा रही इस बांध परियोजना में 1837.34 लाख की लागत का अनुमान था। आपको बता दूं 41 करोड़ रुपए का अभी तक भुगतान किया जा चुका है। डीपीआर में बैराज की ऊंचाई 8 मीटर थी। आईआईटी अहमदाबाद और आईआरआई रुड़की से मॉडल स्टडी के बाद यह ऊंचाई 10 मीटर होनी थी। इस पर मौखिक निर्णय लिया गया। महाराज के मुताबिक करीब 62 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो स्वीकृत 50 करोड़ रुपए से 12 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से भोगपुर सहित आसपास के करीब 18 गांव को सिंचाई के लिए पानी मिलना है। इससे करीब 34,000 लोगों को पेयजल की आपूर्ति भी की जानी है। इसी योजना को लेकर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने 27 सितंबर को स्थलीय निरीक्षण भी किया था। उस समय परियोजना की लागत बढ़ने पर महाराज ने नाराजगी जताई थी और कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग से जवाब मांगा था। महाराज के मुताबिक सचिव सिंचाई के विशेष जांच आदेश जारी कर दिया गया है। जहां तक सतपाल महाराज जी के द्वारा जाँच बिठाए जाने का प्रश्न है, सूर्यधार परियोजना पे जो कार्यदायी संस्था है वो सिंचाई विभाग है और सिंचाई विभाग उस पर काम कर रहा है और सिंचाई विभाग के मंत्री सतपाल जी महाराज हैं। तो ये तो सतपाल महाराज जी को ही निर्णय करना है। वो जो जांच उन्होंने बैठाई है तो जांच के मंत्री भी वही हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य उनके सामने आएंगे तो उनको देखना है कि क्या उसमें हुआ है। अधिकारियों ने अगर उसका बजट बढ़ा है तो निश्चित रूप से फाइल पर उनका अनुमोदन लिया होगा और उसके बाद ही अधिकारियों ने उसको बजट को बढ़ाने का काम किया होगा। और वास्तविकता क्या है, जितना उस पर जो है बजट बढ़ाने का काम हुआ या उससे अधिक पैसा खर्च हुआ है, तो वो तो वस्तु स्थिति जानकर ही मालूम चल पाएगा कि उतना काम हुआ है नहीं हुआ है। मंत्री को ये अधिकार है जांच बिठाने का, उन्होंने जांच बिठाई है, उसका स्वागत है। कैमरामैन शिवमणि के साथ उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।